हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक हैं, अच्छे हैं। मेरा नाम है सुधीर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 में आज पढ़ेंगे फूड एंड डाइजेशन के बारे में। ठीक है, चलिए। पहला टेस्ट स्किल में किस टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखना है। तो पहला फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, कुकिंग मेथड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और माइक्रोब्स। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स कई तरीके के होते हैं। वी रिक्वायर फूड ऑफ फॉर एनर्जी टू ग्रो एंड टू फाइट डिजीज। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, कुछ एनर्जी होती हैं हमें जब हम खाना खाते हैं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू ग्रो एंड फाइट डिजीज़। और ये क्या करती हैं, हमारे बॉडी को ग्रो करती हैं, साथ ही साथ बीमारियों को रोकती हैं, उनसे फाइट करती हैं, ताकि हमारा बॉडी बीमार ना पड़े। द सब्सटेंस प्रेजेंट द फूड दैट नीडेड बाई आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो देखिए, ऐसे सब्सटेंस जो फूड में होते हैं और हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं हमारे अच्छी हेल्थ के लिए, हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब देखिए, इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स आते हैं। तो देखिए, विटामिन में क्या क्या होता है, विटामिन हमें क्यों चाहिए, ये चीज़ पढ़ते हैं। विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज़। तो विटामिन क्या करते हैं, हमारे बॉडी को जो आपके बीमारियाँ होती हैं उनसे ये बचाते हैं। मिनरल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, बोन एंड टीथ। तो मिनरल्स और किस चीज़ में काम आते हैं, हमारे ब्लड बनाने में, बोन बनाने में और हमारे टीथ को हेल्दी रखने में। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इसमें देखिए, ब्रेड, ओट्स और ये आपका चावल हो गया, और यहाँ पे ये आपका क्या है, आलू। आलू में भी आपके बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और विटामिन में क्या होते हैं, आपके फ्रूट्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर फैट्स में क्या होता है, ये एनर्जी और हमारे बॉडी को साथ ही साथ गर्म रखती है। तो इसमें ऑयल आते हैं, बटर आता है, ठीक है। प्रोटीन, ये हमारी बॉडी में क्या होती है, हमारे सेल्स को रिपेयर करती हैं, ठीक है, हमारे बॉडी की ग्रोथ में, न्यू सेल के फॉर्मेशंस में। तो इनमें क्या क्या आता है, देखिए, फिश, ये आपका ये अंडे हैं, ठीक है, चीज़ हो गया, मीट हो गया, पनीर हो गया, इन सब चीज़ों में प्रोटीन्स होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अदर देन न्यूट्रिएंट द बॉडी आल्सो नीड्स रफेज एंड वाटर टू कीप फिट। तो देखिए, रफेज जो, ठीक है ना, रफेज और वाटर हमारे बॉडी को क्या करते हैं, फिट रखने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए, बैलेंस डाइट क्या हो जाता है, ये बैलेंस डाइट प्रोवाइड द बॉडी विथ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वान्टिटीज़। तो बैलेंस डाइट क्या होता है कि जब हम सारी न्यूट्रिएंट्स को सही क्वान्टिटी में लेते हैं, ठीक है। फिर है, कुकिंग ऑफ फूड कैन बी डन बाय बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग, बेकिंग, स्टीमिंग। तो खाना बनाने के कई तरीके हैं, बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग, बेकिंग और स्टीमिंग। अगला है, फूड कैन बी प्रिजर्व द लॉन्गर पीरियड बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव बाय द कैनिंग, ड्राइंग, पिकिंग और कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर। देखिए, खाने को सड़ने से बचाने के लिए उन्हें हम प्रिजर्वेटिव यानी कुछ ऐसी जगहों पर रखते हैं जिससे वो सड़े ना। तो जैसे कौन कौन से मेथड है प्रिजर्वेशन के, कैनिंग, कैन में रखना, ड्राई यानी कि सुखा देना, पिकलिंग, ठीक है ना, अचार बना के रखना, और यहाँ पे कीपिंग रेफ्रिजरेटर। देखिए, रेफ्रिजरेटर में जो घर में खाना रखा जाता है वो बस इसीलिए रखा जाता है कि वो जल्दी ख़राब ना हो। अब देखिए, बैलेंस डाइट का पिरामिड क्या है, तो ग्रेन्स एंड कैरल्स में सबसे ज़्यादा हमें क्या खाना चाहिए, ग्रेन्स और कैरल्स खाना चाहिए, और उसके बाद जो फ्रूट वेजिटेबल्स हैं इन्हें भी हमें ज़्यादा खाना चाहिए। अब जैसे मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, एग हो गया, बीन्स हो गया, ये सब हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मल मात्रा में खाना चाहिए। और जो फैट होते हैं, साल्ट एंड स्वीट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को हमें कम से कम खाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स आर टिनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। देखिए, चार तरीके के माइक्रोब्स होते हैं, कौन कौन से, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेस्टिव का मतलब क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होना, ठीक है ना, सिंपलर चीज़ों में टूटना और खाने को पच जाना, इसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा कहते हैं। अब देखिए, डाइजेशन हमारा कहाँ से शुरू होता है, हमारे माउथ से शुरू होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे माउथ से लेके हमारे स्टमक तक क्या लगी होती है, फूड पाइप लगी होती है, ठीक है। तो हमारा खाना पचना ही शुरू कहाँ से हो जाता है, हमारे माउथ से, और यहाँ से यहाँ तक स्टमक में आता है क्या, पहले हमारा जो खाना होता है किसके थ्रू, फूड पाइप के थ्रू आता है। फिर देखिए, फाइनल डाइजेशन हमारा किस में होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी होती है, ठीक है ना, ये कम से कम 5 से 6 मीटर लंबी होती है, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन है, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है, ये सारा का सारा कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और जो एनस होता है हमारा, यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, टीथ के बारे में पढ़ना है, टीथ चार तरीके के होते हैं, इनसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो देखिए, हमारा ऊपर का जॉ होता है और नीचे का जॉ होता है।
तो काटने के लिए इंसीजर का काम क्या है, कटिंग यानी कि काटने के लिए, जैसे कोई दांत काट लेता है तो इंसीजर वाले दांतों से काटता है, ठीक है। तो इंसीजर अपर वाले जॉ में कितने होते हैं, फोर, और नीचे वाले में कितने होते हैं, फोर, और दोनों में मिला के कितना हो गया, एट। फिर है कैनाइन, कैनाइन का मतलब होता है कि जैसे आप टाइगर देखें ना, टाइगर के दो दांत बाहर निकले होते हैं, वो कैनाइन वाले दांत होते हैं। हाथी के जो दोनों दोनों दांत होते हैं बाहर निकले तो वो भी कैनाइन वाले दांत होते हैं। तो ये टेयरिंग यानी फाड़ने के लिए होते हैं, जैसे जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस एनिमल, उनमें ये कैनाइन वाले दांत होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मीट को फाड़ना पड़ता है तभी खा पाएंगे। तो दो दांत ऊपर होते हैं, दो दांत नीचे होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, चार। फिर तो प्रीमोलर, प्रीमोलर का काम है क्रशिंग, क्रशिंग का मतलब किसी चीज़ को तोड़ना छोटे छोटे पार्ट से करना। तो चार ऊपर होते हैं, चार नीचे, तो टोटल मिला के आठ। और फिर ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पीस के एकदम पेस्ट बना देना। तो छः दांत ऊपर होते हैं, छः दांत नीचे होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 12, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर इंट्रोडक्शन खत्म होता है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो देख के आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि हाँ सर वीडियो देख के मज़ा आ रहा है। चलिए, और आप किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा मुझे भी कमेंट करिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ इंडिया में, ठीक है, कहाँ तक लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।